तो वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में, जो कि हो रहा है रैंक सिमुलेटर। और आज का अपना तीसरा एपिसोड हो रहा है दोस्तों, और जो कि आप लोगों ने कल के एपिसोड में देखा ही होगा, हमने यहाँ पे पिग फार्म बनाया था एक मस्त प्रीमियम सा। तो उस पिग फार्म में अपन आज एक पिग और ला के डालेंगे। और ये देखो भाई, कितना लट्ठा हो गया ये भाई साहब। लट्ठे रे लट्ठे, इधर आ जा भाई लट्ठे। तू उधर कोने में क्या कर रहा है भाई? बहुत ही बड़ा लट्ठा हो गया है दोस्तों ये। ये देखिए भाई साहब, क्या ही भाई वजन हो गया इसका। बहुत पैसे मिलेंगे लगता है अपने को। पर खैर कोई बात नहीं, अपन इसको अभी मारेंगे नहीं, क्योंकि ये अपना पहला पीक है। तो यहाँ से अपन अभी बाहर निकलते हैं। उसको खाना पीना एक्चुअली है कि नहीं मालूम, देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, 10 तो खाना है, 15 पानी है, तो कोई गल नहीं। वहां पे जाके मुर्गी का क्या हाल है अपन वो भी देखते हैं। और आज मुर्गी को भी यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे अपन। अच्छा, मुर्गी का हाल अच्छा खासा है, बस यहाँ पे टट्टी कर दी है उन्होंने। कोई बात नहीं, खाना पीना है कि उनके पास? हाँ, 5 खाना है, पानी भी है। ओके, तो आज के इस एपिसोड में दोस्तों अपन लोग कुछ नहीं करने वाले, बस अपन लोग मुर्गी को यहाँ पे लेके आएंगे। मुर्गी का यहाँ पे एक बनाएंगे मस्त प्यारा सा घर, जो कि अपन यहाँ पे अभी डाल देते हैं एक स्ट्रक्चर उसका। तो मैं सीमेंटल भी नहीं ला सकते, अपन प्लैंक्स ही ला सकते हैं। तो अपन यही रख देते हैं दोस्तों उनके लिए, कोने में एक मस्त छांव में रह जाएगा ये यहाँ पे। बस इनको प्लैंक डालने पड़ेंगे, अभी प्लैंक तो इधर ही पड़े हैं अपने पास। फटक से प्लैंक डालते हैं, एक बार गाड़ी में बैठते हैं। वो कुछ तो ग्लीच है दोस्तों उनका, वो गाड़ी का स्पीड मीटर का जाता ही नहीं है वहां से। और 8 लगेगी, 8 हो गए और कम से कम 7 लगेंगे। तो अपने पास यहाँ पे है जो मैंने रात को बना के रखे हैं, और थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं मैंने, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि जो चेंजेस मैं करना चाहता हूँ। प्लैंक्स वगैरह बहुत सारे काट के रखे हैं हमने। ये यहाँ पे अपन ने अभी मस्त एक कुमड़ी का भी रेडी हो चुका है अपने। तो अभी बस अपने को सिंपल क्या करना है, वो मुर्गी को वहां से उठाना है और यहाँ पे डाल देना है। तो वो मैं थोड़ी देर बाद डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो खाना है फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल उनको यहाँ पे ही रहने देते हैं। दूसरी चीज मैंने नोटिस की कि यहाँ पे अगर मैं अंदर बांध बनाने जा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे जगह कम पड़ रही है। तो मैंने सोचा, अरे क्या हो रहा है भाई, मैंने सोचा दोस्तों कि ये ऐसे थोड़ा सा और बड़ा किया जाए और ये बीच की पट्टी तोड़ दी जाए। तो यहाँ से जब अपन बांध लगाएंगे तो आगे अच्छा दिखेगा दिखने को। तो फटाफट से अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये बनाते हुए आते हैं प्लैंक्स डाल के। ये देखो अभी क्या करते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, सब तोड़ देंगे ये अपन। ठीक है, अभी कैसे बड़ा हो गया, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर इनकी तादाद बढ़ने लगी ना, तो लास्ट टाइम मैंने जो ये किया है ना, फेस किया है, वो इस बार नहीं करना चाहता। बहुत ही गंदा गेम लैग होता है, क्योंकि इनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है, ऊपर से ये जाड़े ढोले होते हैं, तो बहुत ही गेम लैगी लैगी सा हो जाता है। तो जितनी जगह खुली रहेंगी उतने वो थोड़े दूर दूर रहेंगे, साथ में रहेंगे तो बहुत ही दिक्कतें होती है। अभी कैसे देखो, मस्त रुक कर घूम रहा है ये। लकड़ी इधर ही रखता हूँ मैं, क्योंकि काम आ जाएगी बांध बनाने को अपने। अच्छा खासा बड़ा हो गया रही ये डुकरे। तो अभी अपन पहले तो जाते हैं और एक डुक्कर लेके आते हैं फटाफट से। ये गाड़ी में जो भी मटेरियल है अपने, वो उसको उतार देता हूँ नीचे। इसको नीचे उतारना पड़ेगा, इसको भी नीचे उतारना पड़ेगा, ये बैग भी नीचे उतारना पड़ेगा। फटाफट जाते हैं, एक दुख कर लेके आते हैं। अपने पास पैसे तो है, 400 रुपए है। आ गए अपन मस्त यहाँ पे शॉप पे।
यहाँ से मस्त अपन उठाते हैं एक डुक्कर यानी कि पीक। अंटी कैसी है रे? बढ़िया ना एकदम। अपने पास अभी फीमेल है शायद, तो अपन मेल को उठाते हैं एक राज करके। 300 रुपए जाएंगे अपने पास, थोड़े पैसे बचेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक अपन है ना, हो जाएगा क्या 200 रुपए? नहीं भाई, 500 रुपए नहीं है अपने पे, इतने पैसे है ही नहीं। काट खोल भाई, ये रोस्टर को निकाल दो, बाय में चले जाओ। खाना लेना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 खाना ले ही लो, क्योंकि अभी और एक पिक बढ़ेगा तो वहां पे रिक्वायरमेंट भी और बढ़ जाएगी उनकी खाने की। सबसे पहले ये पिक को उठाते हैं, अभी ये जब बड़ा होएगा तब इसको काटेंगे और बेचेंगे भाई, क्या ही बोले, ट्रांसपोर्ट एनिमल। चलो भाई अंदर गए, और इसमें से चारा खाने का नहीं, उधर जाने के बाद मैं डालूंगा वो खाने का, समझ रहे हो? नहीं तो अभी इधर मुंह मारोगे तो फटके खाओगे उधर जाने के बाद। हाँ पांक। चलो फटाफट, ये तो हो गया है। और लास्ट टाइम मैंने जो वो हंटिंग का भी मिशन लिया था दोस्तों, वो मैंने कंप्लीट किया। कुछ इतना ज्यादा नहीं था, नॉर्मली था, एक रैबिट लाके देना था और 5 वाइल्ड एनिमल्स मारने थे, वो भी खतरनाक वाले, फॉर एग्जांपल भालू, वो कोल्ला, अच्छा उस टाइप के। ओए भाई भाई, डुक्कर गिरेगा भाई, डुक्कर गिरेगा अपना धीरे धीरे। इससे जरा एकदम मस्त मजन लाइफ गाड़ी चलाने की भाई, टेंशन नहीं लेने का। ये फटाफट अपना आ चुके इधर, ये हुई ना बात। अभी इसको उतरते हैं नीचे। इधर 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 इधर, ये देख ये देख ये देख ये देख, तेरा दोस्त इधर है, इधर आ बे। लॉल। अबे ये मैडम भी आ गई भाई, इसको दरवाजा लगा भाई, तुरंत आ रही है, रुक जाओ। ये देखो आपके लिए खिलौना लाए हूँ मैं छोटा, आ जाओ इधर आ जाओ, डुक्कर गैंग इधर आ जाओ। ये देखो भाई, और एक पिक को ऐड किया है अपन ने। ऐसे ही अपन धीरे धीरे और 2 लेके आएंगे, एक फीमेल और एक मेल एक साथ। चलो तो ये लोग यहाँ पे इनका कार्यक्रम अभी करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे और अपने को मटन देते रहेंगे। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे देखो, अभी मैं जो बोल रहा था आपको बांध की दिक्कत, वो अभी पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है अपनी। अगर मैं यहाँ पे इससे बनाऊँ, ओ मैंने गलत लिया है, सॉरी, ये लास्ट होना है। अगर इसको मैं इससे लगा देता हूँ दोस्तों, ये देखो अभी लगाना ही है, तो एकदम एक्यूरेट ही लगाएंगे ना, कि थोड़ी बहुत उधर जगह छोड़ेंगे। इतना तो सीख गए हैं अपन प्रॉपर करना कार्यक्रम, थोड़ा बहुत 19-20 तो होगा पर उतना चल जाएगा। इतना पीछे डुक्कर तो जाएगा नहीं, परफेक्ट लगाया है तुम्हारे भाई। ये लगाया एक, ये लगाया दो, ये क्या हो रहा था, इधर ही खत्म हो रहा था, ये इधर आ रहा था दूसरा वाला, इसलिए सब लफड़े हो रहे थे। अभी ये अपने को बस यहाँ पे एक तीसरा लगाना है, तो उसके लिए मुझे ये पेड़ काटना पड़ेगा। अपन फटक से इसको काटते हैं, चॉप करते हैं, लकड़ी भी तोड़ दी तुरंत, इसको भी तोड़ते हैं, चॉप मारते हैं, राज करके इसको उठा के बाजू लेते हैं थोड़ा, क्योंकि वो बीच में आएगा। ओके इनको भी थोड़ा बीच में लेता हूँ। अब भी अपना बांध परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये देखो, चाहू तो मैं इसको और एक एक्सटेंड कर सकता हूँ भाई, क्या आ रहा है बीच में। ओके ओके अबे अभी भी कुछ तो बीच में आ रहा है भाई, ये क्या सीन है? इधर पूरा टच हो रहा है क्या? आई थिंक नहीं, इधर तो टच, अच्छा ये प्लैंक्स के वजह से हो रहा है शायद, तो प्लैंक्स को अपन यहाँ पे डालते हैं, अभी तो होना चाहिए भाई। नहीं तो ये तो, हाँ अभी हो गया। देखो ये देखो, इतना बड़ा हो सकता है बांध। उसके बाद अपन इधर लगा सकते हैं इसका आखिर का हिस्सा, ये अपने पे डिपेंड है, ये लगाना है या नहीं लगाना है, पर मैं तो चाहूंगा कि लगाऊं। अरे ये हटाना पड़ेगा बस मुझे, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ऐसे बांध बनाएंगे दोस्तों अपन, अभी के लिए ये स्ट्रक्चर में ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। तो अपने पास अभी पैसे नहीं, क्योंकि अपने को लाना पड़ेगा इसके लिए मेटल। ये देखो इसके लिए मेटल भी लगता है शायद से, जहाँ तक मुझे मालूम है। नहीं, वुडन प्लैंक से हो जा रहा है भाई, क्या ही बोले भाई, फिर तो हो ही जाएगा। बस ये आगे का हिस्सा अपन बाद में लगाएंगे, क्योंकि वो अगर मैं लगाने जाऊंगा तो ये तोड़ना पड़ेगा, और ये तोड़ेंगे तो इसमें जो खाना है अभी दोस्तों 10 बचा है वो खत्म हो जाएगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा। तो अपन वो वेस्टेज वाला काम नहीं करेंगे। अभी देखो ये बाने ऐसा बैठा, इधर एक सेम इसको ही टच करके इधर से एक बांध बनाएंगे, ताकि दिखने को अच्छा दिखेगा, और फिर इधर खुली जगह किधर भी घूमो कैसे भी घूमो। एकदम बढ़िया सा 10 बाय 10 का ब्लॉक बना दिया मैंने, यहाँ पे भी 10 बाय 10 का ब्लॉक है, सेम वैसे ही इधर हो जाएगा। अभी अपने को बस मुर्गी को उठा के लाना है, उसका खाना पीना हो गया कि नहीं वो देखते हैं। खत्म भाई, कितना बचा है? और 5 बचा है। क्या हो रहा है मुर्गी, तुम्हें इतना क्यों परेशान हो? तुम जरा घूमो बाहर, मस्त एंजॉय करो। अभी दिक्कत दोस्तों ये है कि अपने पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए नहीं तो फिर ये खाने का वेस्ट हो जाएगा। थोड़े बहुत मैं तो सोच रहा हूँ अभी शिकार करने जाते हैं, बस इसको थोड़ा साफ कर दो, इनको पानी तो है ना भाई, नहीं तो मर जाएगा। नाइस, यहाँ पे बनाएंगे मुर्गी का, और यहाँ पे बनाएंगे अपना छोटा सा घर। बढ़िया तरीके से हो गया भाई सब कुछ। ये कहाँ पे है भाई? इसको उठाओ, शिकार पे निकलो भाई, पैसे कमाने हैं तो शिकार पे चलो, बाकी कुछ नहीं। शिकारी ओपी कार्यक्रम, ये खाना यहाँ पे रख देता हूँ। 2 बोरिया लाई भाई, 3 बोरिया लाई मैंने अभी। वैसे मेरे पास पैसे बचे कितने हैं, 84 रुपीज बचे हैं। तो अपने पास वहाँ पे अंडे हैं, अपन वो अंडे भी लेके जाते हैं दोस्तों, ताकि थोड़े बहुत पैसे मिल जाए अपने को। भले ही नसीब अच्छा होगा अपना तो डबल प्राइज मिल जाएगी अपने को, नहीं नसीब अच्छा होगा तो क्या ही होगा। वैसे मुर्गियाँ अंडे ज़्यादा ज़्यादा देती है, बस एक बार रोस्टर आने दो वहाँ पे। तो चलते हैं, बारिश का मौसम चालू हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं भाई खतरनाक ड्राइविंग करते हुए। जो भी बीच में आएगा उसको अपन पेल देंगे भाई गन निकाल के, क्योंकि हंटिंग गन अपने को मिल चुकी है दोस्तों अभी। और आप लोग का पिछला वाला एपिसोड कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताया नहीं दोस्तों, आप लोग प्लीज इस बार तो कमेंट करके बताओ। ये देखो ये राइफल भी लिया। ओ भाई साहब, रिलोड ही नहीं किया हमने, वहां तब तक अपना शिकार भग जाएगा भाई। एक गोली तो बेफालतू वेस्ट की है तुम्हारे भाई ने। भाई ये हिरन रुकेगा क्या? नहीं, अबे रुक जा बे नल्ले, अबे नल्ले रुक जा, तेरे नल्ले पे गोली मारो मैंने तो। नल्ले पे मतलब भेजे पे। अबे भगी गया ये तो, कोई दिक्कत नहीं बेटे, आज नहीं तो कल तू पीटेगा मेरे हाथ से। फटाफट से निकलते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है, और बर्गर शॉप अगर बंद हो गया तो अपने पास पैसे नहीं आएंगे। फटाफट यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे है बेस्ट बर्गर, बेस्ट बर्गर में जा तेरे बाबा। चलो भाई, क्या है, अंडे विंडे है क्या कुछ? चिकन मीटबॉल, बीफ मटन? नहीं भाई, पैसे नहीं मिलेंगे इतने ज़्यादा अपने को, बस $66 मिले, 150 रुपये हो गए अपने पास। और रोस्टर के लिए कम से कम 200 चाहिए, 200-250 रुपये चाहिए अपने पास, तभी एक रोस्टर खरीद सकते हैं अपन। तो मैं शिकारी ढूंढता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे तो शिकार मिल जाएगी अपने को। पर अंधेरा भी हो रहा है, कुछ फायदा नहीं है अभी वैसे देखा जाए तो। चुपचाप घर पे निकलते हैं अपने, आई ठोकली गाड़ी, घर पे निकलते हैं चुपचाप, सोते हैं और अगले दिन आते हैं। चलो ये हो चुकी है सुबह, एक बार गेम को मारते हैं सेव।
यहाँ पे आके देखते हैं मुर्गी का खाना खत्म हो गया क्या, नहीं पांच। अरे भाई ये खाना खा रही नहीं, क्या हो रहा है भाई, इसको दिक्कत है क्या है वो? वैसे पिक्का क्या हाल है, देखते हैं। सुबह के बज गए हैं 8 और वहां पे डुक्कर गैंग अपनी घूम रही है। ऐसे ही इनके पास है 9 14, मतलब है अच्छे खासे क्वांटिटी में खाना है। तो अपन फटाफट निकलते हैं फिर से दोस्तों शिकार करने, अपने शिकार ढूंढते हैं फटाफट से। और एक तो शिकार करके ही जाएंगे क्योंकि रोस्टर चाहिए अपने को। रोस्टर आएगा तो अंडे ज्यादा आएंगे, अंडे ज्यादा आएंगे तो उन अंडों में से बच्चे निकलेंगे, और बच्चे निकलेंगे तो अपने पास ज्यादा मुर्गियां हो जाएगी दोस्तों। तो ज्यादातर अबे 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 ठोक मत बे, ज्यादातर शिकार यहाँ पे मिलती है, जो भालू वगैरह रहते हैं यहाँ पे ज्यादातर आते रहते हैं। तो अपनी इसी तरफ जरा ये देखो भाई, एक शिकार भाई, एक गोली तो खा ले तू इसकी, इस गन की। ए, इधर के मधुमक्खी का है क्या छाता? ओ भाई इसको कैसे निकाला जाए, इसको तो मैंने गोली मारी भाई। अबे काटेगी मधुमक्खियां भाई, ला एक ही गोली बैठी रहे उसके पिछवाड़े पे। ओ भाई साहब क्या ही गन है भाई, जबरदस्त गन है भाई ये तो, एक ही शॉट में कार्यक्रम 25 हिरन का। कम से कम 6 मटन मिल गए अपने को, 6 मटन के अपने को कम से कम 100-150 डॉलर तो मिल जाएंगे, मिलने चाहिए, मिल जाएंगे नहीं, एक रोस्टर तो आ जाएगा अपने पास अभी। ओ भाई साहब ये आपको बड़ा शिकार मिल गया, आ जा भाई आ जा। अरे अपने पास खतरू गन है, तू ना दी मत कर, अगला गोली वेस्ट मत कर भाई, 21 एमओ बचे खाली, गोली वेस्ट मत कर। ये देखो भाई सुअर मिल गया अपने को, सुअर नहीं था भाई ये तो उल्फ था, क्या था क्या मालूम, जो भी था दोस्तों आप लोगों को मालूम रहेगा नाम तो कमेंट करो। फटाफट से जाते हैं भाई, मटन बहुत सारे मिले अपने को, वहां पे अपन डालते हैं अभी इसको मस्त पीछे यहाँ पे। और जाते जाते और कोई शिकार मिलता है कि नहीं देखते हैं। देखो इधर आने का फायदा ये हो गया अपने को, रप्पा रप 3 शिकार मिल गए और गाड़ी ढूंढ दी अपन, कोई बात नहीं भाई। बर्गर शॉप, ओ भाई मारो मुझे, मारो भाई मारो, मारो मुझे मारो भाई, कूद गई गाड़ी, इधर से निकलना मुश्किल है, नामुमकिन है, खतरनाक सीन है। गाड़ी भी डैमेज हुई है अपनी शायद से, अभी बहुत गंदी लेवल की, मुझे ये आदत इतनी गंदी लगी है ना ऑफ रोड करने की दोस्तों, क्या ही आदत लगी है, कुछ भी बोलो कैसे यहाँ से नहीं भाई। बर्गर शॉट का पे वो, अबे ये तो हार्डवेयर स्टोर है, मैप खोलो भाई, बर्गर शॉप, ये अभी नया मैप है इसलिए अपने को इतना मालूम नहीं है दोस्तों, पर एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिना मैप खोले भी जाएंगे। ये थोड़ा सा इधर ही सिटी में कंफ्यूजन होता है ज्यादा, अच्छा गावा भाई, इतने जोर से भी मत ठोक भाई गाड़ी, इतना क्या ही गुस्सा भरा पड़ा है भाई तेरे में, इतना क्या गुस्सा भरा पड़ा है भाई मेरे दोस्त मेरे होस्ट। चिकन चीज चिकन मीट बॉल, उस पे आज डबल रेट है दोस्तों, 120 मिल गए, मैंने बोला ना 100 के ऊपर मिल गए अपने को। नाइस, अपन अभी मस्त है ना, एक रोस्टर ले सकते, देखो शायद से तो $270 हो चुके अपने पास, और एक रोस्टर लेके जाएंगे अपन जरूर दोस्तों। 2000 years later. रोस्टर लेके जाएंगे अभी मस्त सा अपने रेंच में, आज एक रोस्टर ऐड हो चुका है, एक बिग मेल हो चुका है ऐड, बहुत ही बेहतरीन प्रगति हो चुकी है अपने रेंच की। दादाजी ऊपर से देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे भाई तू तो बढ़िया खेले जा रहा है एकदम रेंच के, तेरे रेंच पे तेरे मजा आ रहा है भाई ऊपर से देखने को ड्रोन व्यू में। अला इस रोस्टर को कैसे रखोगे, यस मेरे को एक इधर अंडा दिखा है, देखो पिछली बार मेरे मुर्गी ने यहाँ पे अंडा दिया था, मैंने ऐसे ही छोड़ा था यहाँ पे, उसको अपन लेके जाते हैं। रोस्टर
अंडा खाने का नहीं, समझ रहे, उसे भी उसको खाने को मिलेगा ही नहीं वो अंडा, वो मैंने रखा है भाई वो बास्केट के अंदर ही। फटाफट फिर से एक निंजा टेक्निक वाला शॉर्टकट मारते हैं अपना। ओ भाई साहब स्ट्रक्चर तो देखो भाई अपने शहर का दोस्तों, वेट वेट ये देखो भाई स्ट्रक्चर देखो दोस्तों अपने सिटी का, बढ़िया मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। बोले तो ओपी बनने के बाद ऊपर से जो दिखेगा ना अपना फार्म भाई, क्या ही बोले दोस्तों, बहुत ही बढ़िया नजर आएगा। बस अपने को विद्युत रोशनी अच्छे से करनी है ताकि दूर से देखने पे भी अपने को अच्छे से दिखे। ये एक रोस्टर लेके आए अपन, उस रोस्टर को नए घर में ही छोड़ देता मैं, पर क्या ही बोले। अब ये मुर्गियाँ मेरे को लगता है ये खाना खत्म नहीं करेगी, पर जैसे ही रोस्टर आएगा ये खाना ज्यादा खाएगी। फुकट का मटन दिख रहा है भाई अपने को उधर, जो कि एक हिरन भगरेला है। ओ भाई ये रोस्टर तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है दोस्तों, ये देखो भाई आज मुर्गियां बड़ी खुश हो गई भाई, बोल रही है भाई हमको तुमने कोई तो घर वाला दिया भाई। कोई बात नहीं रोस्टर, यहाँ पे अच्छे से रहने का मस्त, क्या एंजॉय करने का पूरे इलाके में, समझ रहे ला क्या, वीडियो ज्यादा उठने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हाँ एकदम मजे में रहने का अंदर इधर, समझ रहे ला क्या तू वीडियो, हाँ टेंशन नहीं लेने का बेडू, बेडू को देखते बैठेंगे तो बेडू अपने को एक कान के नीचे बजाएगा, बोलेगा चल भाई निकल रहे क्या देख रहे ला भाई तू, इससे बोलेगा बेडू अपने को, तो अपन चुपचाप यहाँ से वट लेते हैं, नहीं तो बेडू अपने कान के नीचे बजाएगा। अपने यहाँ पे पिक का भी एकदम मस्त फॉर्मूला चल रहा है बाबा। ये थोड़े बहुत मेरे पास प्लैंक से तो वो अपन फटाफट थोड़े यहाँ पे लगा देते हैं। और एक चीज मैं दिखाता हूँ कि मैंने एक जगह पे इतने प्लैंक्स कट करके रखे हैं ना भाई, क्या ही बोले भाई दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है प्लैंक्स का क्या ही यूज हो रहा है यहाँ पे, प्लैंक्स की कमी भाई बहुत ही दिक्कत देती है। और ये धूप निकल के आई भाई बढ़िया सा, एकदम बढ़िया धूप निकल के आई है, और आप लोग ग्राफिक्स के भी एंजॉय ले सकते हो दोस्तों, अभी क्या ही मौसम हो चुका है भाई। बस ये रैंच संभालने के लिए अपने साथ एक घर वाली होती तो अच्छा होता, खाना भी ना पका के तू समझा, अपन जाके भाई एकदम नहीं तू समझा नहीं, शाम को जाके फिर खाना भी ना खाते तो अच्छा होता है कि नहीं। ये लकड़ी इधर लाता हूँ, इसको उठाता हूँ, इसको भी इधर लाता हूँ, ठीक है ये तो हो जाएगा। देखो तो जरा खाना पीना है, पीछे से लगाते हुए आते हैं। वाह ये ऐसे पूरा एक साथ बनाओ ना भाई, बढ़िया हो रहा है, तो एक एक लगाने का बोले तो भाई क्या ही बोले, बहुत टाइम पास हो रहा है फिर। ये देखो इधर टाइम पास हो गया, देखो इधर भी टाइम पास हो गया, अभी टाइम पास मित्र मंडल। ये लगे इधर, ये लगे इधर, ये लगे इधर, इतने में काम हो जाना चाहिए अपना वैसे देखा जाए तो। ये इधर लगाया है, इधर एक ये स्लॉट हो जाएगा, इधर लगेगा, इधर दो तीन चार पांच ये छह, ये देखो ना ऊपर चढ़ने को इन्होंने सीढ़ी वीढ़ी दी है भाई, ये होता है भाई टेक्निक मस्त। चलो बढ़िया दिखने वाला ये फार्म अपना, इसके लिए मुझे अभी एक सीन करना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कितने सारे प्लैंक्स मैंने कट करके रखे है भाई, टाइम पास मजाक मजाक में अब्दुल रजाक कर दिया भाई। चलो निकलते हैं यहाँ से, इससे देखो इधर कितने पेड़ काटे रे बाबा तुम्हारे भाई ने, उधर भी वैसे है, ये देखो इधर मस्त बारिश भी रिश गिर रहा था इसलिए तुम्हारा भाई है ना, क्या ही बोले दोस्तों, सीधा इधर ऐसे अंदर ही बना रहा था सब कुछ, ये देखो हाँ विषय खोलेगा नहीं एकदम नादिच नहीं रे रे इसको रखते इधर, अबे बन जाए एक और
इसे को अपने को उधर जितने चाहिए उतने इधर बना के रखे स्टैक्स, तो यही भर के जाते हैं ना। कहा है भाई टाइम वेस्ट कर रहे। इधर के इधर है ना तुम्हारा भाई, ऐसे उठा के इधर डाल देगा मटेरियल पूरा। ए भाई कुछ भी मतलब कुछ भी। अरे वैसे इधर से इधर लग भी जाएंगे एक आधा, इसको भी डालते हैं, इसको भी डालते हैं खोखे में, बस हो जाएगा वैसे लग होता है। हो जाएगा कार्यक्रम इतने प्लैंक्स में। थोड़ी बहुत बारिश आ गई तो उनको थोड़ा मतलब ये तो मिल जाएगा भाई कि भाई अपने को भाई भीगने नहीं दे रहा है अपना मालिक भाई के, नहीं तो भाई निकल जाएंगे कब का क्या भाई मर जाएंगे। फटाफट ये लगा देते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना भाई, ये डिटेलिंग्स बहुत ही मायने रखती है दोस्तों गेम के लिए। ये देख लीजिए आप क्या ही प्यारा लुक आ चुका है अभी। ये जब पूरा बनेगा तब अपने रेंज का जो लुक आने वाला है ना दोस्तों, इस बार बहुत ही खतरनाक लेवल लुक आने वाला है, मैं 100% बोल के देता हूँ आपको। वाह भाई ये भी हो चुका है, वाह एकदम सेक्सी लुक आ गया। अभी यहाँ पे वो लोग अंदर जा सकते हैं, देखो आ भी जाएगा वो। ये देखो आ गया छोटू, छोटू आ गया, छोटू ना तो आ गया अंदर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मजे ही आ गए भाई। मुर्गी के हाल देखते हैं पहले, क्योंकि मुझे डर है कि उनका खाना खत्म हो गया ना भाई तो सीधा मर जाएंगे, इतने जल्दी भी नहीं मरेंगे। तीन है, ये देखो मुर्गा आ गया तो अभी खाना भी ना खाने लगे भाई। मुर्गा बाहर ही नहीं घूमने दे रहा है क्या? कोई बात नहीं, तो चलिए दोस्तों इसी तरह आज का ये एपिसोड अपन खत्म करते हैं यहाँ पे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए एंजॉय करने पिछले वाले एपिसोड देख के एंजॉय कीजिए। और आप लोगों को क्या चेंजेस चाहिए मेरे एपिसोड्स में वो भी बता दो, और इस रेंज में भी क्या चेंजेस चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए वो बता दो, मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।